आके सारे काम छोड़कर आई हूँ तुम्हारे पास। ये काम मुझसे ज्यादा जरूरी है क्या? नहीं। और सुनो, वो तुम्हारी खाला है ना, और वही तुम्हारे भाई की पुरानी सास। हाँ, उसे क्या हुआ? तुम तो जानती हो कि मेरी अम्मा से मिलना जुलना है उनका। तो अम्मा बता रही थी कि वो शफक की दूसरी शादी का सोच रही है। उससे कौन शादी करेगा? मुझे तो यकीन नहीं आया। कलीम? असो? कलीम? क्या हो रहा है? कलीम? हाँ? असो? असो अभी? असो? क्यों हो रहा है ये? कलीम, शर्म नहीं आती तुम्हें? छोड़ो, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया औरत हो। सही कहा था खाला शफक ने तुम्हारे बारे में? सही कहा था बिल्कुल। खबर हो गया, खाला और शफक ने तुम्हें गलत बोला है। तुम्हारी आंखों पे शक की पट्टी बंधी हुई है। पागल हो गए हो तुम? क्या बोले उन्होंने मेरे बारे में? क्या बहुतान लगाया मेरे ऊपर उन्होंने? जो भी कहा था ना, सच कहा था। तुम तो वो औरत नहीं हो जिस पे इत्तबार किया जाए। मैं घर ले जाने आता, अब नहीं लेके जाऊंगा। अब तुम यही पड़ी रहोगी। देख कलीम, तुम गलत समझ रहे हो, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। चुप, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकला करता, ही समझ? पागल नहीं हूं मैं। कि आखिर तो बचपन से मेरे भाइयों जैसा है। बेचारा उदास बैठा हुआ था, उसकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी। मैं तो बस पता करने आई थी, और तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरा यकीन करो। ओ माफ कर दो जूही मैडम, थक गया हूं मैं तुम्हारे इस खेल से। जो भी फैसला होगा ना, बड़ों के दरमियान होगा। कलीम, मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने तुम्हें हर तरह से धोखा दिया। बड़ा पैसा जाया हो गया हमारा, और इत्तबार? तुम देखो, मैं तुम्हारा सब करता हूँ। कलीम, मेरी बात सुनो। तुम देखो। कलीम, मेरी बात सुनो। खाला और शफक को तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। समझती क्या है अपने आपको? मेरा घर पर बात करना चाहती है ना, खुद बर्बाद कर दूंगी इनको।